Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5, पिछले episode में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, Sabertooth Tiger vs Pikachu की बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त फाइट हुई थी, जिसमें guys, result मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप जाके खुद देख सकते हो, लेकिन उसके पिछले episode में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने Lester and Duggan Boss को मार दिया था, जिसके कारण guys, bodybuilder mafia जो है, वो काफी ज़्यादा आग बबूला और ज़्यादा powerful होता रहा है दिन पर दिन, ठीक है? तो finally अभी मैं जा रहा हूँ बाबा के घर में, वहाँ से guys मेरे को जो है कुछ उससे बात करनी है और पूछना भी पड़ेगा कि भाई bodybuilder mafia क्या हो गया है और आज guys कुछ मेरे को जो है बहुत ही बड़ा रास पता चलने वाला है जो कि guys हम लोगों को बाबा बताने वाला है, ठीक है? तो गाइज आप लोग को प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? और बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, माइकल जो है अभी यहाँ से उतर रहा है अपनी ड्रोन बाइक से। अभी उतरने के बाद गाइस अंदर की तरफ में बाबा खड़ा होगा। अब बाबा मुझे को बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है, साथ ही में दोस्तों मेरे को वो अलर्ट कर रहा है कि बॉडी बिल्डर माफिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है और उसका कहना ये भी है कि भाई वो तुम्हारे रूप में ही मतलब तुम्हारे रूप में जितने भी क्राइम हैं वो सब कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर गाइज अभी मेरे को कैसे ना कैसे करके उसे जो है मारना पड़ेगा। तो जल्दी से गाइज ये रहा बाबा, मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ और फिर पूछता हूँ भाई क्या सीन है। तो ओके गाइज, बाबा से मेरी जो है पूरी क्लियर बात हो चुकी है। बाबा ने सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक हिंट दिया है, बोला है कि तुम वाइन यार्ड चले जाओ और वाइन यार्ड में जाने के बाद जहाँ पे बॉडी बिल्डर माफिया का घर है वहाँ पर जाके एक बार विजिट कर लो, तुम्हें जो है ए टू जेड सब समझ में आ जाएगा और जो वहाँ से समझ में ना आए तो तुम मेरे पास दोबारा आना, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ जो होती है बाबा की वो दिखाने वाला है। बाबा ने बोला कि भाई मेरे पास जादू वगैरह कहाँ से आता है, क्या मेरे पास पावर्स हैं, कौन मुझे पावर्स देता है, उसके पीछे किसी का हाथ है गाइस, तो आज वो मुझे दिखने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है? और जो भी गाइस चैनल पर न्यू हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर लो, ठीक है? और वही मैं आप लोगों से बार बार बोलता रहता हूँ गाइस, हम 100K के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जैसे कि अभी तक आप लोग दिखाते आए हो, प्लीज़ अपना सपोर्ट इस वीडियो में भी और आगे वाली वीडियो में भी दिखाते रहना, जिससे गाइस हम लोग जल्द से जल्द उस गोल पे पहुंच जाएं, फिर जल्दी से फेस रिवील हो, फेस रिवील होने के बाद Q&A हो और बाकी भी दोस्तों काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करने को बची हुई, जैसे लाइव स्ट्रीम वगैरह भी हम लोग इनेबल कर देंगे। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, माइकल जो है पहुँच चुका है यहाँ पर एकदम से वाइन यार्ड पे, और वाइन यार्ड पे ही दोस्तों बॉडी बिल्डर माफिया का घर है और बॉडी बिल्डर माफिया की सिक्योरिटी तो आप लोगों को पता ही होगी, तो वो सिक्योरिटी है गाइस बिग फुट की। अब गाइस क्योंकि यहाँ पर गोरिल्ला के सारे मार दिए थे हम लोगों ने, तो यहाँ पर जो उसकी सिक्योरिटी बची हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बिग फुट की बची हुई है। अब बिग फुट ये भयंकर, तो ये रहा गाइस बॉडी बिल्डर माफिया का घर। तो गाइस हम लोग ऑब्वियस सी बात है आगे से नहीं जा सकते हैं, अगर हम लोग आगे से गए तो भाई बिग फुट जो है बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हम लोगों को मार देगा। तो जल्दी से गाइज अभी देखना पड़ेगा कि बिग फुट किसके ऊपर दोस्तों जो है हमला करके बैठे हुए हैं, तो अभी जल्दी से गाइज मेरे को वहीं पर देखना होगा। और जहाँ पर गाइज आप लोग पीछे की तरफ में देख पा रहे हो कि हम लोग पीछे से जा रहे हैं, घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये क्या कर रही है यहाँ पर यार? अबे यार मैं बेफालतू में उनको जो है अलर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके ऊपर अभी गन तो नहीं चलाई, लेकिन गाइज जैसे कि आप ओ भयंकर ये क्या सीन है यहाँ पर, तो गाइस लेस्टर और अमेंडा दोनों के दोनों हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और ये ही पिछले एपिसोड में गाइस जो है मर गए थे। मतलब गाइस व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई हमारा जो है लेस्टर दोबारा से जिंदा हो चुका है और ये गाइस सिर्फ और सिर्फ बाबा ने किया है। अब गाइस इसी राज को जानने के लिए हम लोग जाएंगे, बाकी आप घर का साइज देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है, बाकी आप घर का साइज देखो, तब तक मैं इन वाले बड़े बड़े जो गोरिल्ला हैं इनको मार देता हूँ। ये गाइस एक एक गन के तो रहते हैं और बाकी पर दोस्तों हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा शातिर भी हैं। अभी गाइस मैंने एक गलती कर दी, अगर मुझे पहले से बता देता गाइस बाबा कि यहाँ पर जो है लेस्टर है और लेस्टर के साथ साथ अमेंडा भी है, तो गाइस मैं जो है यहाँ पर फोर व्हीलर को लेके आता, फोर सीटर कार को लेके आता, तो जिसके कारण गाइस हम लोग जो है ट्रॉन बाइक में इन सबको नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे कोई ना कोई कार लेके आनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप लोग आगे तरफ में देख पा रहे हो, ये रहा गाइस यहाँ पर लेस्टर है और साथ ही साथ में अमेंडा भी है। अमेंडा ने गाइस हमारे साथ चीट किया था जिसके कारण गाइस मैंने उसे जो है मार दिया था। ओके तो हमारा लक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर एक गाड़ी आ चुकी है आगे जो कि गाइस लैम्बोर्गिनी यूरस की पुल टू कॉपी है, जो कि गाइस आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे को देख के लगता है गाइस लेस्टर एंड अमेंडा दोनों बैठने आ चुके हैं।
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ओ भयंकर इतनी ज़्यादा ज़रूरत। ओके गाइज मेरा आर्मर फट जाएगा। अबे रुक जा बे, डर रुक जा। मेरे शर्ट में जो आर्मर लगा है गाइज वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फट चुका है। अगर गाइज हमने थोड़ी बहुत और देर करी होती तो उसका नतीजा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर गाइज उन्होंने जो है स्टिकी बॉम्ब लगा रखे थे, और फाइनली जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो लगता है गाइज ये टाइम बॉम्ब थे। और टाइम बॉम्ब के अलावा गाइज अगर वहाँ पर लेस्टर और अमेंडा खड़े रहते तो दोबारा से गाइज वो मर जाते। लेकिन बाबा को हमारे पास काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। अब जल्दी से गाइस मैं आप लोगों को बाबा के घर पर मिलता हूं। तो फाइनली गाइस यहां पर जो है अमांडा और लेस्टर दोनों मेरे साथ बैठ चुके हैं, और अभी ये वाली कार को मैं बहुत ही ज्यादा तेजी में भगा के लेके जाने वाला हूं गाइस एक तरह से बाबा के घर पर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बॉडी बिल्डर माफिया ने गाइस जो है हमारा बेस जो है रखा हुआ है, यानी कि माइकल का। और सब जगह दोस्तों रिकॉर्ड्स पे न्यूज़ पे माइकल ही छप रहा है गाइस एक तरह से, कि माइकल जो है उसने बहुत कुछ कर लिया है। तो मेरे ख्याल से उसने गाइस जो है पूरी की पूरी सर्जरी करा ली है माइकल के ऊपर से बॉडी बिल्डर माफिया ने। तो फाइनली मैं आपके यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों बाबा जो ने बोला था बेशकीमती जो उसकी चीज़ है वो मेरे को दिखाने वाला है कि किससे वो भाई पावर लेता है, और उसी से गाइस मुझे जो है पावर देगा। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पर जो है पहुँच चुका हूँ। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो गाइस कि यहाँ पर जो है बाबा भी है, और बाबा के साथ साथ गाइस एक और कुछ चीज़ होने वाली है यहाँ पर वो पता। ओ ये क्या है भाई, कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा बड़ा और लग्जरी है यार, मतलब कितना ज़्यादा प्यारा है ये गाइस कोई फॉक्स लग रही है, लेकिन गाइस ये लेजेंडरी फॉक्स लग रही है। और ये कितनी ज़्यादा शार्प और कितनी ज़्यादा बड़ी है गाइस, लगता है गाइस यही इसका राज है। पापा गाइस इससे जो है पूरी की पूरी पावर्स लेता है। वही तो मैं सोचूं गाइस एक बंदे में इतना ज़्यादा कैसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइज मेरे को जो है पावर मिल चुकी है, और बाबा ने बोला कि भाई अब जो है बॉडी बिल्डर माफिया कभी भी आता होगा तो यहाँ पर गाइज मेरे को जो है सिटी पर भेज दिया है और कुछ पावर्स दे दिए हैं उनके। गाइज बॉडी बिल्डर माफिया कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और गाइज वो आप लोगों ने जो देखा वो फॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती फॉक्स है, और वो फॉक्स तो जो है मेरे को मिलने वाली है। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो बॉडी बिल्डर माफिया है वो बिल्कुल ही बिल्कुल माइकल के बेस पे बन चुका है। ये देखो गाइस माइकल को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारने में लगा हुआ है, लेकिन गाइस उसको ऐसी पावर्स कहाँ से मिल रही हैं, कौन है भाई उसके पीछे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा का दोस्तों हम लोगों ने भाई तो पिछले बार मारा नहीं था, लगता है गाइस वही उसके पीछे है, लेकिन ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बाकी आप लोग फाइट देख पा रहे हो, ये गाइस तो फाइनली हमारे ऊपर कार वगैरह फेंक रहा है, मुझे पत्थर वगैरह बना दे रहा है। मैंने भी तो गाइस इसके ऊपर जो है कार फेंक दी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल तरीके से। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई मैं इसको मारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गाइस ये मेरे को जो है लगातार मारते जा रहा है। अब गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं इससे जीतूँ कैसे, और कैसे मैं इससे जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा। बाबा गाइस मेरे को लगता है गाइस उसने जो है जो बेस उसका रखवाया बॉडी बिल्डर माफिया का वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर गाइस एक ब्लैक होल टाइप में दोस्तों क्रिएट कर पा रहा हूँ अपने पावर से, लेकिन गाइस वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और मुझे लगातार मारते ही जा रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन गाइस माइकल भी दोस्तों लास्ट दम तक टिका रह रहा है। अब यहाँ पर इसके ऊपर गाइस ब्लैक होल भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब पता नहीं गाइस क्या होगा, आप लोग जरूर से सजेशन पे मुझे बताना गाइस हम लोग इसका आगे क्या कर सकते हैं। बॉडी बिल्डर माफिया दोस्तों एक जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बना हुआ है, पूरी की पूरी हेलीकॉप्टर्स वगैरह कहाँ कहाँ से आ रही हैं, लेकिन गाइस वो मेरे को जो है मारने में लगा हुआ है। अब वो पता नहीं मुझसे चाहता क्या है, एक कार के पीछे गाइस इतनी खतरनाक दुश्मनी हम लोगों ने मोड़ ले ली है। अब यहाँ पर मैं भी उसको मारने की तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गाइस मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मारूँ। लेकिन आप लोग इसकी एंडिंग देख के बहुत तगड़ी तरीके से जाना, मेरे ख्याल से आप लोग को लगता है कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन गाइस पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बॉडी बिल्डर माफिया को हम लोग कैसे हरा सकते हैं। वैसे तो फिलहाल गाइज मैं इसको बहुत ही तेज़ी में मार रहा हूँ, लेकिन ओके ये बार बार दोस्तों कमबैक कर ले रहा है, लेकिन लगता है मेरे को गाइज किसी और की पावर चाहिए होगी। ठीक है तो देखते हैं गाइज किस किस की हम लोगों को यहाँ पर पावर मिल सकती है। बाकी ओ भयंकर इसने गाइज बंदा ही चेंज कर दिया। तो चलो अभी गाइज यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो कि भाई कितना ज़्यादा खतरनाक है ये, बार बार मेरे को स्टोन्स में बदल दे रहा है, साथ में मेरे पास कार भी मारने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी पावर्स इसमें आ गई हैं। मुझे तो नहीं लगता गाइज मैं इससे जीत पाऊंगा, वैसे कि दोस्तों मैं बिल्कुल हार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन गाइज ये मेरे ऊपर लगातार कार पे कार फेंके जा रहा है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फिर से उसने गाइज बुकाटी एडर मेरे बाइक कंधे पर मार दी है।
आधे से ज़्यादा गाइस मैं तो इंजर्ड वहीं पर हो चुका हूँ, और ये लगातार अपनी जो है पर्पल फ्लेम से मार रहा है, बाकी आप लोग अब देख पाओगे आगे।